हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर एनजी की। इस वीडियो के माध्यम से मैं सोनाली आज आप सभी से जो है टॉप 50 जनरल एग्रीकल्चर सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यूज डिस्कस करने वाली हूँ। और इसमें आज हम जो है सॉइल साइंस और एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की जो है एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आने वाली सभी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लाई हूँ। अगर आप जो है FCI असिस्टेंट, FCI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, टेक्निकल ऑफिसर, इनकी अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो आप स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। और फिलहाल इस कोर्स में जो है 25% जो है डिस्काउंट का ऑफ़र चल रहा है, तो आप ये जो ऑफ़र है ये भी ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको जो है 6 to 7 जो है ई बुक्स दी जाती है अकॉर्डिंग टू योर फुल सिलेबस। उसके बाद आपको जो है इसमें यूट्यूब के क्लास नोट्स दिए जाते हैं, प्लस आपको जो है 1 question bank यहाँ पर दी जाती है, प्लस जो है यहाँ पर 10 full length मॉक टेस्ट दी जाती हैं अकॉर्डिंग टू द ऑल इंडिया रैंकिंग जो आपकी बनती है। आपको पता चलेगा ये मॉक टेस्ट देने के बाद ये ऑल इंडिया आपकी जो है रैंकिंग कितनी बन रही है। उसके बाद आप इसमें जो है CBT 1, CBT 2 के फुल नोट्स आपको दिए जा रहे हैं। आपका जो है व्हाट्सएप पर डिस्कशन ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें आपको जो है आप डिफरेंट जो है क्वेश्चन आंसर जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर जो है पर्सनल गाइडेंस दिया जाएगा, और ये हमारी जो है सोर्स सिलेक्शन बैच रहेगी। तो इसके अलावा आपको बाहर से और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे कि मैंने कहा कि इस पर जो है 25% डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जो है हमारा जो एग्रीकल्चर एनजी के प्ले स्टोर पर जो ऐप है वहाँ से जो है आप ये जो है डिस्काउंट ले सकते हैं। वहाँ पर जो है आप जो है सबसे पहले जाकर हमारा जो एग्रीकल्चर एनजी के ऐप है वो इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद आपको जो है वहाँ पर ये कोर्स मिल जाएगा, और वहाँ पर आपको जो है 25% का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आप स्क्रीन पर दिए हुए हमारा ये कूपन कोड यूज़ करके आप जो है वहाँ पर 25% डिस्काउंट ले सकते हैं, या फिर हमारी जो वेबसाइट है agricultureNGK.in, वहाँ से भी आप जो है ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी आपको जो है कूपन कोड यूज़ करने का ऑप्शन मिल जाएगा। स्क्रीन पर दिए हुए हमारे ये कूपन कोड यूज़ करके 25% डिस्काउंट ले सकते हैं। जल्दी से जल्दी ये जो है 25% डिस्काउंट का ऑफ़र आप जो है ले लीजिए, क्योंकि ये जो है कुछ ही समय के लिए बचा हुआ है। दोस्तों, आप अगर जो है IBPS AFO की एग्ज़ाम, UK SSSC, AAO, हरियाणा EDO, हिमाचल EDO, FCI एग्ज़ाम, स्टेट FSM, OPSC, AHO और कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो स्क्रीन पर दिया हुआ हमारा ये कोर्स आप जो है परचेस कर सकते हैं। आप अगर इनमें से कोई भी एक कोर्स परचेस करना चाहते हैं, आपको जो है वहाँ पर प्रिंटेबल फॉर्म में जो है PDF फॉर्म में जो है नोट्स मिल जाएंगी, प्लस आपको जो है रिकॉर्डेड वीडियो क्लासेस मिल जाएंगे, प्लस आपको जो है टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी कोर्स से संबंधित, उससे संबंधित आपको जो है एग्ज़ाम से संबंधित जो है ओल्ड पेपर्स मिल जाएंगे, कंप्लीट नोट्स फॉर एग्ज़ाम मिल जाएंगे, आपका जो है अलग अलग जो है अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम जो है व्हाट्सअप डिस्कशन ग्रुप बनाया जाएगा, जिस पर आप जो है डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आंसर जो है डिस्कस कर सकते हैं। आपको क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है एज़ पर सिलेबस। और हमारे जो है ये सारे कोर्सेज जो होते हैं वो सोर्स सिलेक्शन बैच कोर्स होते हैं, तो आपको जो है इसके अलावा और कुछ बाहर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और आपको जो है इस कोर्स की और रिलेटेड और कुछ भी जानकारियाँ चाहिए होंगी, तो आप जो है दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो है मैसेज कर सकते हैं, और वहाँ पर अपनी क्यूरीज जो है वो पूछ सकते हैं। या फिर आप जो है हमारा जो एग्रीकल्चर एनजी के ऐप है वहाँ से ये कोर्स जो है परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले हमारा जो है एग्रीकल्चर एनजी के ऐप इंस्टॉल करना होगा, फिर आपको वहाँ पर ये डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज मिल जाएंगे। या फिर आप जो है हमारा ये कोर्स जो है agricultureNGK.in जो हमारी वेबसाइट है वहाँ से भी ये कोर्स परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हमारी जो है IBPS AFO की प्री हो चुकी है, और अभी हम जो है हमें जो है मेंस की तैयारी करना चाहिए। तो मेंस की तैयारी करने के लिए आपको जो है हमारा स्क्रीन पर दिया हुआ ये कोर्स जो है हेल्प कर सकता है। तो आपको जो है ये कोर्स में जो है कंप्लीट नोट्स ऑफ एग्रीकल्चर मिल जाएंगे, PDF फॉर्म में ई बुक्स मिल जाएंगी, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएंगी, प्लस आपको जो है 50+ full length मॉक टेस्ट वहाँ पर मिल जाएंगी, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग बनेगी,
और उसके बाद जो है आपका व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप बनाया जाएगा, आपको वहाँ पर इंटरव्यू गाइडेंस दिया जाएगा, और इस कोर्स की वैलिडिटी आपकी एग्ज़ाम होने तक रहेंगी। तो आप जो है जल्दी से जल्दी ये कोर्स परचेस कर सकते हैं, और इस कोर्स की प्राइस सिर्फ 599 रुपीज़ ऑनली है। अगर आप हमारा ये कोर्स परचेस करना चाहते हैं तो आप जो है हमारा एग्रीकल्चर NGK ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर जो है आपको ये कोर्स मिल जाएगा, या फिर आप हमारा ये कोर्स agriculturegk.in हमारी जो ये वेबसाइट है वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग जो है हमारे MCQ डिस्कस कर लेते हैं। हुई डिनोट्स यानी हुई क्या डिनोट करता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल में जो है, सॉइल में एक जो है वो है द म्यूसिल सिस्टम, ये जो है सिस्टम होती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जो है सॉइल का जो डोमिनेंट स्पेक्ट्रम है उसकी लाइटनेस, ब्राइटनेस, प्योरिटी ये सब डिनोट करता है। और इस म्यूसिल सॉइल चार्ट में जो है वो हुई प्रेजेंट होती है। ये हुई मतलब क्या है कि ये पूरा सर्कल जो है इसे जो हुई कहा जाता है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो है वो शो करता है। मूसल के जो कलर का सॉइल का जो चार्ट होता है उसमें जो है वो हुई, वैल्यू एंड क्रोमा, ये जो तीन डिफरेंट डिफरेंट जो है वो शो करता है। उसमें से जो है हुई जो है ये जो है ये कलर शो करती है। कलर शो करती है मतलब क्या करती है, ये डोमिनेंट स्पेक्ट्रम जो है वो शो करती है, तो इसे जो है हुई कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुई डिनोट्स द डोमिनेंट स्पेक्ट्रम। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच फर्टिलाइज़र प्रोड्यूस एसिडिटी इन सॉइल, यानी सॉइल में जो है कौन सा फर्टिलाइज़र एसिडिटी प्रोड्यूस करता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल में जितने भी जो एमोनियम बेस्ड जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो सॉइल की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट ये जो फर्टिलाइज़र है ये जो है सॉइल में जो है एसिडिटी जो है वो प्रोड्यूस करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रॉक फॉस्फेट हैज़ P2O4U। यहाँ पर पूछा गया है कि रॉक फॉस्फेट में जो है वो कितने परसेंट जो है फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड होता है। तो रॉक फॉस्फेट में जो है वो P2O4U कभी कभी जो है वो 23.27% होता है, और कभी कभी जो है वो 31.233% होता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 22-40%। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कन्वर्जन फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग फॉस्फरस फ्रॉम P2O5, यानी P2O5 जो फॉस्फरस पेंटाऑक्साइड है उसमें से हमें अगर जो है फॉस्फरस कैलकुलेट करना होगा तो हमें कौन सा फार्मूला जो है वो यूज़ करना होगा ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है हम यूज़ करते हैं वो है ऑप्शन नंबर सी, P2O5 × 0.44। ये जो है ये हमारा फॉस्फरस जो है कैलकुलेट करने का फार्मूला है फ्रॉम P2O5। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फिनोमिना सिल्किन साइट फाउंड इन विच सॉइल, यानी ये जो सिल्किन साइट्स है ये कौन सी सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पर फाउंड किया जाता है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये जो सिल्किन साइट है ये जो है ये वर्सिटल सॉइल में होता है। ये क्या होता है, ये जो है ये स्मूदी पॉलिश सरफेस होता है वर्सिटल सॉइल में, जो कि 25 to 50 cm डेप्थ के अंदर हमें जो है दिखाई देता है। अगर हम इसे हाथ लगाए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ सरफेस होता है, बहुत ही स्मूथ होता है, और इसे जो है वो सिल्केन साइट कहा जाता है, और ये वर्सिटल साइल में प्रेजेंट होता है। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्टिसोल। चलिए आगे बढ़ते हैं। फंगी ग्रोथ ऑप्टिमम इन पीएच, यानी फंगी को कितना जो है पीएच चाहिए सॉइल में तब वो जो है फंगी जो है सॉइल में ग्रो करेगी ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल का पीएच अगर 4.5 to 6.5 होगा तो जो है सॉइल की ग्रोथ जो है वो बराबर होगी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरोमा ऑफ अर्दी स्मेल इन फर्स्ट शावर ऑफ मानसून ड्यू टू, यानी जो फर्स्ट रेनफॉल होता है तो उसके वक्त जो है मिट्टी में से स्मेल आती है जो कि बहुत लोगों को पसंद आती है। तो वो जो सॉइल में जो स्मेल आती है वो किसकी वजह से आती है ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो स्मेल है वो जो है वो एक्टिनोमाइट्स की वजह से आती है। एक्टिनोमाइट्स ये जो है ये एक फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं सॉइल में, जो कि सॉइल को एक अर्दी स्मेल देते हैं प्लस जो है सॉइल को हेल्दी बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक्टिनोमाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विच जेनेरा ऑफ बैक्टीरिया फाउंड मैक्सिमम इन सॉइल, यानी सॉइल में सबसे ज़्यादा जो है वो कौन सा बैक्टीरिया का जेनेरा फाउंड किया जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर ए बैसिलस। बैसिलस जो है ये सबसे ज़्यादा जो है वो सॉइल में जो है बैक्टीरिया पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एलिमेंट सप्रेस डाउनी मिल्ड्यू ऑफ परमिलेट, यानी ये जो परमिलेट में जो है डाउनी मिल्ड्यू, ये जो डिसीज़ है, ये डिसीज़ जो है हम कम कैसे कर सकते हैं, इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, किस एलिमेंट्स के वजह से हम जो है इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। डाउनी मिल्ड्यू ये जो है ये सॉइल बॉर्न डिसीज़ होता है जो कि फंगस की वजह से लगता है, और इसे अगर हमें सप्रेस करना होगा, कम करना होगा या फिर प्रिवेंट करना होगा, तो हम जो है क्लोराइड की हेल्प से जो है इसे जो है सप्रेस्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, क्लोराइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी इज मेजर बाय, यानी ये सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी हम किसके इससे मेजर करेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी में क्या होता है कि जो सैचुरेटेड सॉइल होते हैं उसके जो पोर्स होते हैं वो जो है सॉइल से जो होते हैं वो ट्रांसमिट होते हैं वाटर के थ्रू, और ये पूरी प्रोसेस जो होती है उसे जो है सैचुरेटेड हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी कहते हैं, जो है हम जो है अमोजेमीटर से जो है मेज़र करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। CO2 कंटेन इन रेन वाटर इज, यानी रेन वाटर में कितने परसेंट CO2 प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो रेन वाटर में जो है 0.45% जो है वो जो है CO2 प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सलाइन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, यानी सलाइन सॉइल को जो है और क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सलाइन सॉइल को जो है सोलन चौक कहा जाता है रशियन लैंग्वेज में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, सलाइन सॉइल इज ऑल्सो नोन एज सोलन चौक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारी इज द लोकल नेम ऑफ, यानी कारी ये जो है ये किस सॉइल का जो है लोकल नेम है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो कारी ये जो है ये एसिड सल्फेट सॉइल या फिर पीटी सॉइल का जो है वो जो है लोकल नेम है। केरला में जो है पीटी सॉइल को या फिर एसिड सल्फेट सॉइल को जो है कैरी कहा जाता है। कारी ये जो है ये ब्लैक होती है, सॉइल होती है ब्लैक डीप सॉइल होती है, उसका स्ट्रक्चर जो है वो हेवी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द हनी कॉम स्ट्रक्चर फाउंड इन, यानी जो हनी कॉम लाइक जो है वो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सी जो है सॉइल में प्रेजेंट होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो हनी कॉम लाइक ये जो स्ट्रक्चर होता है ये जो है ये लैटराइट सॉइल में प्रेजेंट होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच सॉइल ऑकर मेनली अ सॉइल क्रस्ट प्रॉब्लम, यानी सॉइल क्रस्ट ये जो प्रॉब्लम है ये मेनली कौन सी सॉइल में होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल क्रस्ट प्रॉब्लम ये जो है ये सिल्टी क्ले लोम सॉइल में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि सिल्टी क्ले सॉइल में जो है वो हाई अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम कंटेंट होता है या फिर सोडियम कंटेंट होता है, तो उसमें जो है वो सॉइल क्रस्ट ये जो प्रॉब्लम है ये सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड कलर ऑफ सॉइल ड्यू टू, यानी सॉइल में जो रेड कलर आता है वो क्यों आता है, किसकी वजह से आता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल में जो रेड कलर आता है वो जो है वो आयरन या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड की वजह से आता है, और हेमाटाइट जो है ये जो है इसमें जो है वो आयरन या फिर एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। ये तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा, हेमाटाइट। आगे बढ़ते हैं। ब्लैक कलर ऑफ सॉइल इज ड्यू टू, यानी सॉइल में जो ब्लैक कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल में ये जो है टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट, ये जो है ये एक जो है मिनरल कंटेनिंग ऑक्साइड है जिसमें आयरन और जो है ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होता है और जो है टाइटेनियम प्रेजेंट होता है, तो इसकी वजह से जो है सॉइल में ब्लैक कलर आता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल सॉइल ऑर्डर फाउंड इन वर्ल्ड, वर्ल्ड में जो है कितने सॉइल ऑर्डर फाउंड होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो पूरे वर्ल्ड में जो है वो 12 जो है वो
पूरे सॉइल ऑर्डर जो है वो फाउंड होते हैं, जैसे कि वर्सीटोल वगैरह। ये जो है अकॉर्डिंग टू द USGA सिस्टम ऑफ सॉइल टैक्सोनॉमी, इसके अकॉर्डिंग जो है पूरे वर्ल्ड में जो है वो 12 जो है सॉइल ऑर्डर फाउंड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लो ऑफ नाइट्रोजन इन सॉइल मेनली ड्यू टू, यानी सॉइल में जो नाइट्रोजन का फ्लो होता है वो किसकी वजह से होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें दिया गया है मास फ्लो। मास फ्लो में क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट होती है उनकी मूवमेंट जो होती है, तो उसकी जो मूवमेंट होती है प्लांट में उसे जो है हम जो है मास फ्लो कहा जाता है। तो मास फ्लो जो है इसमें जो होता है ये जो भी न्यूट्रिएंट होते हैं वो जो है प्लांट में जो है वो डिजॉल्व होते हैं, और इस मोमेंट को जो है वो मास फ्लो कहा जाता है। और इसी मोमेंट की वजह से जो है नाइट्रोजन का भी फ्लो जो है वो सॉइल में हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मास फ्लो। ये आगे बढ़ते हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट फ्लो इज मेनली अ प्रोसेस इन सॉइल, यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो फ्लो है उसकी प्रोसेस जो है वो कौन सी प्रोसेस है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है ऑप्शन नंबर बी, डिफ्यूजन। माइक्रो न्यूट्रिएंट फ्लो इज मेनली अ डिफ्यूजन प्रोसेस इन सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। मतासी सॉइल ऑल्सो नोन एज, यानी मतासी ये जो सॉइल है इसे और क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो मतासी सॉइल ये जो है इसे जो है छत्तीसगढ़ में जो है वो मतासी सॉइल कहा जाता है, और ये येल्लो सैंडी लोम सॉइल है तो इसे जो है छत्तीसगढ़ में जो है मतासी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, मतासी सॉइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोरसा सॉइल इज ऑल्सो नोन एज, यानी दोरसा सॉइल मतलब क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो दोरसा सॉइल मतलब होता है क्ले लोम सॉइल, ये भी जो है वो छत्तीसगढ़ में प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी मीटर मेजर्स, मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी क्या मेज़र करती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ये आप सबको पता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ये जो है ये सोलुबल सॉइल जो होता है सॉइल में उसे मेज़र करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच मेथड यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ अवेलेबल फॉस्फोरस इन एसिड सॉइल, यानी एसिड सॉइल में जो है हमें अगर फॉस्फोरस की अवेलेबिलिटी जाननी है तो हम कौन सी मेथड यूज करेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ट्रे कौन सी मेथड नहीं होती है, और फ्लो भी कौन सी मेथड नहीं होती है, तो वो मेथड है ब्रे मेथड। ब्रे मेथड से जो है हम जो है फॉस्फोरस कितना प्रेजेंट होता है एसिड सॉइल में ये हम जान सकते हैं। क्या होता है कि 1 ग्राम स्कूप जो है वो एयर टाइट सॉइल का लिया जाता है, और 10 मिलीलीटर जो है वो एक्सट्रैक्टेंट का लिया जाता है, और उन दोनों को जो है 5 मिनट के लिए जो है शेक किया जाता है, और उसमें जो है फिर जो ब्लू कलर आता है उससे जो है हम जो है फॉस्फोरस कितना है ये डिटरमाइन कर सकते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ पोटैश, यानी पोटैश का जो है वो प्रमाण कितना है ये जानने के लिए हम कौन सा जो है इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है फ्लेम फोटोमीटर। फ्लेम फोटोमीटर ये जो है ये एक जो है इनऑर्गेनिक केमिकल एनालिसिस की मेथड है, जिसमें जो है हम जो है पर्टिकुलर जो है सर्टन जो मेटल साइंस होते हैं उनका कॉन्सेंट्रेशन डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि पोटैश। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज़ यूज फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये जो है अब हम क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो जो है हम फॉस्फरस डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ मीन बाय सॉइल साइंस, यानी सॉइल साइंस मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या ये एक जो है सॉइल की ब्रांच है क्या, नहीं ये सिर्फ हम जो है सॉइल की ब्रांच नहीं कह सकते, या फिर ये क्या जो है ये एक सिर्फ जो है सॉइल रिएक्शन की स्टडी है क्या, नहीं ये किसी सॉइल की रिएक्शन की भी स्टडी नहीं है। तो ये क्या है, सॉइल साइंस इज द स्टडी ऑफ सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इंक्लूडिंग सॉइल फॉर्मेशन क्लासिफिकेशन मैपिंग फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल एंड फर्टिलिटी प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल एंड दिस प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
सॉइल इज अ थ्री डायमेंशनल बॉडी हैविंग, यानी सॉइल जो है ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, इसमें जो है वो लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ, ये तीनों प्रेजेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सॉइल इज अ थ्री डायमेंशनल बॉडी हैविंग लेंथ, ब्रीथ एंड डेप्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं, आर द मटेरियल दैट फॉर्म द इसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ सॉइल क्रस्ट, यानी अर्थ सॉइल क्रस्ट का ये जो है एक इसेंशियल पार्ट है, तो वो कौन सा है, वो है रॉक्स। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, रॉक्स आर द मटेरियल दैट फॉर्म द इसेंशियल पार्ट ऑफ द अर्थ सॉलिड क्रस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, कूलिंग एंड कंसल्टेशन ऑफ मोल्टन मैग्मा विथिन और ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड, यानी ये जो मोल्टन मैग्मा होता है जो कि ज्वालामुखी से निकलता है, इसके कूल होने पर, इसका कंसल्टेशन होने के पर जो है वो क्या बनता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो बनता है हमारा प्राइमरी रॉक्स, पहले जो है सबसे पहले जो है यही रॉक्स बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, इनिशियस और प्राइमरी रॉक्स। सेंटीमेंटरी रॉक्स फॉर्म थ्रू द एजेंसी ऑफ वाटर ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी सेंटीमेंटरी रॉक्स जो होते हैं उनके साथ जो वाटर बॉडीज होती हैं उनके साथ जो रॉक्स फॉर्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो उसे जो है एक्वेजियस रॉक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दे आर प्राइमरली ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरेंट रॉक फ्रॉम विच द सॉइल इज डिराइव्ड, यानी ये कौन सा मटेरियल है जो कि पेरेंट रॉक्स में से मिलता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है मिकास। मिकास ये जो है ये ग्रुप ऑफ मिनरल्स होता है जो कि पेरेंट रॉक्स में से मिलता है, जो कि सॉइल में से डिराइव होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वॉट इज वेदरिंग, यानी वेदरिंग मतलब क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो प्रोसेस क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो प्रोसेस कौन सी है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड रॉक्स इंटू पेरेंट मटेरियल और रिगोलिथ, यानी यहाँ पर बताया गया है कि वो जो सॉलिड रॉक्स होते हैं उनका जो है ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो पेरेंट मटेरियल में हो जाता है, उस प्रोसेस को जो है वो विदरिंग कहते हैं। और यहाँ पर फिर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इफ़ द सॉइल कंटेन 280 to 500 kg नाइट्रोजन पर हेक्टर देन इट इज़ कॉल्ड फिलिंग द ब्लैंक्स इन अवेलेबल नाइट्रोजन, यानी अगर सॉइल में 280 to 500 kg जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट है पर हेक्टर, तो सॉइल में जो है कितनी अवेबिलिटी हो जाएगी नाइट्रोजन की, वो हो जाएगी मीडियम फॉर्म में अवेबिलिटी। यानी अगर एक हेक्टर में जो है 280 to 500 kg जो है वो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, तो उसे जो हम जो है मीडियम अवेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, इफ द सॉइल कंटेन 110 to 280 kg ऑफ पोटैश पर हेक्टर देन सॉइल आर सेड इन दिस रिग्रेट, यानी अगर सॉइल में जो है 110 to 280 kg ऑफ पोटैश अवेलेबल है, तो हम उसे कितना जो है प्रेजेंट है ये कहेंगे, तो हम जो है उसे मीडियम रेंज में जो है वो अवेबिलिटी ऑफ पोटैश कहेंगे। अब अगर उसमें जो है 110 to 280 kg जो है पोटेशियम प्रेजेंट है, तो वो मीडियम फॉर्म हो जाएगा, यानी सॉइल में जो है मीडियम फॉर्म में जो है वो जो है पोटेशियम प्रेजेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच इज नॉट नेचुरल फैक्टर अफेक्टिंग सॉइल फर्टिलिटी, यानी नीचे दिए गए वैसे तीन फैक्टर में से कौन सा फैक्टर है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को अफेक्ट नहीं कर सकता, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी की वजह से जो है सॉइल फर्टिलिटी अफेक्ट हो ही सकती है। उसके बाद दिया गया है सॉइल एज, तो सॉइल एज की भी वजह से जो है सॉइल की जो है फर्टिलिटी को जो है अफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन एयर का जो है सॉइल फर्टिलिटी से कोई रिलेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एयर। आगे बढ़ते हैं, पीट सॉइल आर जनरली कैरेक्टरिस्टिक्स एज, यानी पीट सॉइल को हम कैसे जो है वो जो है कह सकते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। पीट सॉइल जो है वो ब्लैक होती है, हेवी होती है और एसिडिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नॉर्मली मिनरल कंटेंट ऑफ सॉइल वॉल्यूम इज अबाउट, यानी सॉइल के जो सॉइल वॉल्यूम में जो है वो कितने परसेंट मिनरल कंटेंट होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल वॉल्यूम में जो है वो
50% जो है वो मिनरल जो है कंटेन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इन सॉइल इज कंसिडर्ड एज फाइन, यानी नीचे दी गई में से कौन सा जो फैक्टर है या फिर जो कौन सी सॉइल है वो फाइनेस्ट है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो है क्ले। क्ले क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो फाइनेस्ट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैटेराइट सॉइल आर पुअर इन, यानी लैटेराइट सॉइल जो है वो किन में जो है किन मिनरल्स में प्योर होती है, ये यहाँ पर पूछा गया है, तो वो नाइट्रोजन, लाइम एंड मैग्नीशियम तीनों में भी जो है वो पुअर कंटेंट होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द क्ले मिनरल, यानी क्ले मिनरल मतलब क्या होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो क्ले मिनरल मतलब स्टोन है क्या, नहीं, क्या रॉक से क्या, नहीं। तो क्ले मिनरल मतलब क्या है, क्ले मिनरल इन सॉइल आर फॉर्म फ्रॉम प्राइमरी मिनरल्स ड्यू टू वेदरिंग प्रोसेस। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले वेदरिंग प्रोसेस देखी, उसमें से जो है प्राइमरी मिनरल्स जो है वो मिलते हैं हमें सॉइल में से, तो उन्हें जो है क्ले मिनरल्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ लस्टर, लस्टर मतलब क्या है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो लस्टर जो है ये एक जो है मिनरल है जो कि लाइट होता है, रिफ्लेक्ट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। द वे ऑफ मिनरल रिफ्लेक्ट लाइट, मेटेलिक, सब मेटेलिक, विटेरस एंड रेजिनियंस, यानी ये जो है ये एक मिनरल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया इन सॉइल, यानी सॉइल में जो है एक बैक्टीरिया की ग्रोथ सबसे ज़्यादा कब होती है, यानी उसका जो टेम्परेचर है या फिर उसका जो पीएच है वो कितना होना चाहिए ताकि जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ वो अच्छे से होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ जो है वो सबसे ज़्यादा जो है न्यूट्रल या फिर साइलेंटली अल्कलाइन पीएच में जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द सॉइल ऑर्गेनिज्म इज, यानी मोस्ट ऑफ द जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कौन से होते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल ऑर्गेनिज्म जो है वो सॉइल में अगर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं तो वो है मेसोफिल्स। मेसोफिल्स ये जो सॉइल ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको जो है ना ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर लगता है ना ज़्यादा गर्म टेम्परेचर लगता है, तो ये जो है मीडियम टेम्परेचर में जो है खुद को जो है ग्रो कर लेते हैं, और इन्हें जो है वो 20 to 45 डिग्री सेल्सियस जो है ग्रो करने के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा, मेसोफिल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर मेसोफिल्स, अभी हमने देखा कि मेसोफिल्स के लिए कितना टेम्परेचर लगता है हमें, 20 to 45 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, 20 to 40 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी ऑफ सॉइल टू बी टेकन फॉर टेक्सचर एनालिसिस, यानी किसी सॉइल का हमें अगर टेक्सचर जो है वो एनालिसिस करना होगा तो हमें कितनी जो है सॉइल लेनी होगी, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो अगर हमें किसी भी सॉइल का टेक्सचर एनालिसिस करना होगा तो हमें जो है वो 20 ग्राम ऑफ सॉइल लेनी होगी, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच प्लांट इज़ यूज फॉर इंडिकेशन ऑफ परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट, यानी सॉइल का जो परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है ये क्या होता है कि जो है सॉइल में जो है ऑलरेडी जो है वाटर प्रेजेंट होता है, और सॉइल में अगर हम कोई प्लांट जो है वो ग्रो करते हैं और उसे जो है एक्सेस जो है सनलाइट मिल जाती है, तो उसकी वजह से जो है उसे जो है सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट होती है सॉइल में, ये जानना मतलब कि परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट होता है। परमानेंट बिल्डिंग पॉइंट मतलब होता है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल दैट द प्लांट रिग्रेट्स नॉट टू बिल्ड, यानी सॉइल में जो है वो जो है कितने अमाउंट ऑफ वाटर लगेगा जब तक कि प्लांट जो है वो विल्ड शो नहीं करता है, यानी कोई प्लांट अगर मुरझा जाता है वो तो मुरझाने तक के उसे कितना पानी लगता है उसे जो है परमानेंट विल्डिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये हमें कौन सा प्लांट जो है वो शो करता है, तो वो है सनफ्लावर्स, क्योंकि सनफ्लावर ये जो है ग्रीन हाउस में या फिर आउटडोर में तब तक के ग्रो होता है जब तक कि उसमें जो है हमें विल्ड के सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, सनफ्लावर।
चलिए 48 एमसीक्यू देख लेते हैं। सॉइल कोलाइडल पार्टिकल शो द फिनोमिना, यानी सॉइल कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो क्या शो करते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो सॉइल कोलाइडल पार्टिकल्स जो है वो प्लास्टिसिटी शो करते हैं, फ्लोकेशन भी शो करते हैं, अडेजन एंड कोहेजन भी शो करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबाव। आगे बढ़ते हैं। इन म्यूसेल कलर चार्ट हुई 10 रिप्रेजेंट्स, यानी हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 में जो हुई देखी थी, इसमें जो है वो 10th कौन सा कलर शो करती है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, ये जो मुसेल का चार्ट है इसमें अगर हम ग्रीन येल्लो से लेकर, अगर ग्रीन येल्लो का हम आकर 1 1 दे दे, तो यहाँ से हमें 10th में कौन सा नंबर मिलता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ग्रीन येल्लो 1 हो गया, ग्रीन 2 हो गया, ब्लू ग्रीन 3 हो गया, 4 हो गया ब्लू, 5th हो गया, ये भी हो गया है हमारा ब्लू कलर, और 6th हो गया है पर्पल, 6 7 हो गया है रेड पर्पल, 8 हो गया है रेड, और 9 हो गया है येल्लो रेड, और 10th कलर कौन सा हो गया है, येल्लो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, येल्लो। तो ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएगा, येल्लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनिक फ्रैक्शन नॉट सॉल्यूबल इन बोथ अल्कली एंड एसिड, यानी नीचे दिए गए में से कौन सा जो है वो ऑर्गेनिक फ्रैक्शन जो है वो एसिड और अल्कलाइन सॉल्यूशन में जो है वो सॉल्यूबल नहीं होता है, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिन। ह्यूमिन जो है ये एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का। तो ये जो है ये बोथ जो है एसिड और अल्कलाइज सॉल्यूशन में सोल्यूबल नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ह्यूमिन। तो चलिए यहाँ पर हमारे सारे एमसीक्यू डिस्कस हो चुके हैं। दोस्तों आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको जो है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को जो है शेयर कीजिए, और हमारे जो चैनल है एग्रीकल्चर एनजीके, इसको जो है सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।